ओके द सेवंथ क्वेश्चन ऑफ द एनसीईआरटी बुक ऑफ चैप्टर 9 फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन इज, देखिए अभी सेवंथ क्वेश्चन में बात की गई है एक इंजन के बारे में, एक ट्रेन के बारे में। ए 8000 किलोग्राम इंजन पुल्स ए ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स ईच ऑफ 2000 किलोग्राम अलोंग ए हॉरिजॉन्टल ट्रैक इफ द इंजन एग्जर्ट्स ए फोर्स ऑफ 40000 न्यूटन एंड द ट्रैक ऑफर्स ए फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 5000 न्यूटन देन कैलकुलेट द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि एक ट्रेन को बताया गया है, यहाँ पर सबसे पहले ये इंजन है और इसके बाद में कितने वैगन्स इसके साथ कनेक्टेड है, 5 वैगन्स। एक रफ सा डायग्राम हमने बना लिया सिचुएशन को समझने के लिए। एंड इट इज मूविंग ऑन ए ट्रैक। इंजन का जो मास है वो है 8000 किलोग्राम और ये जो वैगन्स हैं, फर्स्ट वैगन सेकंड वैगन, इन सबके मासेस गिवन है 2000 किलोग्राम। ओके सो दीज आर द मासेस ऑफ द इंजन एंड वैगन्स। अब इसमें ये पूछा गया है कि नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स क्या होगा, इंजन जो है वो कितना फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, इंजन फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है 40000 न्यूटन का। सो दिस इज द फोर्स प्रोड्यूस बाय द इंजन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में गिवन है कि 40000 न्यूटन का फोर्स इंजन के थ्रू प्रोड्यूस किया जा रहा है। ओके और ये जो व्हील्स हैं और ट्रैक है इनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। व्हील्स और ट्रैक के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स है दैट फ्रिक्शन फोर्स इज गिवन 5000 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना हुआ, इंजन तो 40000 न्यूटन का फोर्स प्रोड्यूस करेगा, 5000 न्यूटन का फोर्स तो फ्रिक्शन को ओवरकम करने में चला जाएगा, 5000 न्यूटन का फोर्स तो फ्रिक्शन को ओवरकम करने में जाएगा और उसके बाद ये जो ट्रेन है वो किसमें आएगी, मोशन में आएगी। तो नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स क्या होगा, 40000 माइनस 5000 35000, तो 35000 न्यूटन के फोर्स से ये ट्रेन आगे बढ़ना स्टार्ट होगी जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो अब ये डायग्राम है, ये सिचुएशन दे रखी है, अब इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं। सो दिस इज द सेवंथ आंसर। क्वेश्चन में गिवन है मास ऑफ इंजन 8000 किलोग्राम एंड मास ऑफ वन वैगन, एक वैगन का मास है 2000 किलोग्राम एंड अनदर थिंग इज गिवन नंबर ऑफ वैगन्स, एक इसमें गिवन है नंबर ऑफ वैगन्स, नंबर ऑफ वैगन्स आर 5 इन दिस ट्रेन। एंड 40000 न्यूटन का फोर्स इंजन एग्जर्ट कर रहा है फोर्स एग्जर्टेड बाय इंजन। एंड फ्रिक्शन फोर्स देखिए, फ्रिक्शन फोर्स को मैं माइनस 5000 से लिखूंगा क्योंकि हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, इंजन जिस तरह फोर्स एग्जर्ट कर रहा है दैट डायरेक्शन इज पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इसके फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उसको हम लोग माइनस 5000 से लिखेंगे। ओके नाउ वी विल कैलकुलेट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके सो हियर वी विल कैलकुलेट नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स F इज इक्वल टू, वो जो फोर्स होगा उसको किससे लिखेंगे, इंजन कितना फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है 40000 एंड फ्रिक्शन फोर्स इज माइनस 5000 इन द अपोजिट डायरेक्शन,
So the net force which is working on the train is 35,000, and due to this force, the train is start moving and its velocity will increases. Train जो है वो move करना start कर देगी इस force के कारण, और उसकी velocity क्या हो जाएगी, उसकी velocity increase होगी. Okay, so this is the first part of this question. And second thing is the acceleration of the train. इस question में जो second part आपसे पूछा गया है, the acceleration of the train. The acceleration of the train. देखिए acceleration calculate करने के लिए हम लोग क्या formula apply करेंगे? Force is equal to mass into acceleration. फोर्स हमने अभी कैलकुलेट कर रखा है 35,000 न्यूटन, और मास आपको गिवन है 8,000 मास है इंजन का, बाकी के 5 वैगन है 2,000 किलोग्राम के, तो टोटल 5 वैगन्स का मास कितना हो जाएगा 10,000 किलोग्राम. ओके, तो ये फोर्सेस हमने कैलकुलेट कर रखे थे 35,000 न्यूटन नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स. इसके बाद में देखिए एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन. एक्सीलरेशन कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको बता रहा था कि आपको फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन इस फॉर्मूला का यूज करना है, और क्वेश्चन में अभी हमने कैलकुलेट किया था नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स. नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स इज 35,000 न्यूटन. मास ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का मास कितना होगा, तो टोटल मास आएगा 18,000 किलोग्राम. वो कैसे लिखा गया, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात इंजन का मास है 8,000 प्लस इंजन का जो मास है वो 8,000 है, और जो 5 वैगन्स हैं उनका मास कितना है, एक वैगन का मास 2,000 किलोग्राम है, तो 5 वैगन्स का मास कितना होगा 10,000 किलोग्राम. तो पहले हम लोग ये लिख लेते हैं द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन. दिस इज द सेकंड पार्ट वी हैव टू सॉल्व, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ द ट्रेन. सो हियर आई विल राइट मास ऑफ ट्रेन. ट्रेन का जो मास है उसको हम लोग किससे लिखेंगे, उसको हम लोग स्मॉल m से लिखेंगे, और इंजन का मास है 8,000 किलोग्राम, एक वैगन का मास है 2,000 किलोग्राम, और टोटल कितने वैगन्स हैं, तो आंसर है 5 वैगन्स हैं, तो 2,000 इंटू 5. अब इसको आप सॉल्व करेंगे, सो द मास ऑफ द ट्रेन विल बी 8,000 प्लस 10,000, सो दिस विल बी 18,000 किलोग्राम. This is the mass of the train. Now we will apply the formula using F is equal to ma. By putting the value of force, force is 35,000 newton and mass is 18,000 kilogram multiply by acceleration. अब 18,000 multiply में यहाँ आएगा तो divide में आ जाएगा. So the next statement will be acceleration is equal to 35,000 divide by 18,000. ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे, सो दिस विल बी 35/18. 35/18 को आप सॉल्व करेंगे, सो इट विल बी 1.94. 35 को 18 से डिवाइड करेंगे, सो द एक्सेलरेशन विल बी 1.94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो दिस इज द एक्सेलरेशन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ऑन द ट्रेन एंड ड्यू टू द फोर्स 35,000 न्यूटन. तो 35,000 न्यूटन, 35,000 न्यूटन फोर्स के कारण कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, 1.94 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो पर सेकंड 1.94 मीटर की वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी ट्रेन की. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द सेवंथ क्वेश्चन. प्लीज नोट डाउन. यस, इन द एट्थ क्वेश्चन एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज ए मास ऑफ 15,000 किलोग्राम. What must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 meter per second square? देखिए eighth question के अंदर क्या-क्या given है? सबसे पहले given quantities के बारे में लिखते हैं. यहाँ पर आपको एक vehicle के बारे में बताया गया है जिसका mass है 15,000 किलोग्राम. चलिए वो vehicle हम लोग मान लेते हैं car. तो 1500 किलोग्राम की, not 15,000, 1500 किलोग्राम की एक car है. और ये car move कर रही है. और driver ने क्या कर दिया? Engine को off कर दिया. अब हमें पता है कि थोड़े टाइम बाद ये जो कार है ये रेस्ट में आ जाएगी. जैसे मान लीजिए वो कार 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रही थी, जिस समय जो ड्राइवर था इंजन को ऑफ कर रहा था उस समय उसकी स्पीड थी 50 मीटर पर सेकंड. अब जैसे ही इंजन ऑफ करेगा तो इंजन तो फोर्स लगाना बंद कर देगा,
तो क्या होगा, तो हम देखते हैं कि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है, तो 50 से 45 पे आ जाती है, 40 हो जाती है, तो ऐसा करते करते कुछ समय बाद वो रेस्ट में आ जाएगी। अब वो रेस्ट में क्यों आएगी, तो हमें पता है बिकॉज देयर इज अ फ्रिक्शन फोर्स विच इज एग्जर्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कार, मोशन ऑफ द व्हीकल। तो व्हीकल जो मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा और उस फोर्स के कारण जो है वो कार रेस्ट में आ जाएगी। तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन भी गिवन है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहा है। देखो नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल रखा है तो जरूर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी। नेगेटिव एक्सेलरेशन अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। और वेलोसिटी डिक्रीज तभी होगी जब फोर्स किस डायरेक्शन में काम करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। सो दिस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, दिस इज द एक्सेलरेशन। सो यू हैव टू कैलकुलेट द फोर्स which is exerted on the vehicle in the opposite direction so that it comes to rest, jiski wajah se ye rest mein aa jaye. mass is 1500 kg multiply by acceleration is minus 1.7, inko multiply karenge this will be negative aayega, aur negative aana zaruri bhi hai kyunki force jab tak opposite direction mein एग्जर्ट नहीं होगा तब तक वो कार या व्हीकल क्या नहीं आएगा, रेस्ट में नहीं आएगा। और क्वेश्चन में ले रखा है कि जो व्हीकल है वो रेस्ट में आ जाता है। सो दिस इज द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द व्हीकल इन द अपोजिट डायरेक्शन, ड्यू टू दिस फोर्स दैट व्हीकल विल कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम, एंड दिस फोर्स इज प्रोड्यूसिंग द एक्सेलरेशन, दिस फोर्स इज प्रोड्यूसिंग द एक्सेलरेशन ऑफ माइनस 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Okay, now the next question is ninth question. What is the momentum of an object of mass m moving with a velocity v? ये कह रहा है कि क्या momentum होगा एक object का जिसका mass m है और जो v velocity से move कर रहा है। तो आपको option दे रखे हैं mv whole square, mv square, half mv square and m into v. So this is the answer. So its answer is ऑप्शन डी। आपको मोमेंटम बताना है, मोमेंटम कैसे लिखा जाता है, मास इनटू वेलोसिटी से लिखा जाता है। सो दिस इज द मोमेंटम। नेक्स्ट टेंथ क्वेश्चन, यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव ए वुडन कैबिनेट अक्रॉस ए फ्लोर एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एग्जर्टेड ऑन द कैबिनेट। देखिए कह रहा है कि 200 न्यूटन का फोर्स लगाने पर जो कैबिनेट है वो एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि 200 न्यूटन के फोर्स को अप्लाई करने पर वो जो कैबिनेट है वो ऑलरेडी मोशन में है, लेकिन एक चीज दे रखी है कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसका मतलब उस पर नेट फोर्स जीरो होगा। तो 200 न्यूटन का वो फोर्स अप्लाई कर रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, जो डायनेमिक फ्रिक्शन होता है, मतलब कि वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो स्टैटिक फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। फ्रिक्शन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है डायनेमिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक काम करता है जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो मूव नहीं कर रहा, रेस्ट में रहेगा, तो वो कैसा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देते हैं, स्लाइड करना शुरू कर देते हैं, तब जो फ्रिक्शन हम लोग यूज करते हैं कैलकुलेट करने के लिए, दैट विल बी डायनामिक फ्रिक्शन। तो बेसिकली क्वेश्चन में यही गिवन है कि 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने पर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन की स्टेट में है और कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है, इस पर ये 200 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और ये कांस्टेंट स्पीड से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो अगर इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो जरूर यहाँ पर जो डायनेमिक फ्रिक्शन है वो डायनेमिक फ्रिक्शन भी 200 न्यूटन होगा। अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा मतलब वो भी 200 न्यूटन होगा। सो द बैलेंस फोर्स इज, सो द नेट फोर्स इज जीरो, सो इट इज इन द इफेक्ट ऑफ बैलेंस फोर्स, सो देयर विल बी नो चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसी वजह से इसकी वेलोसिटी में क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो इसके आंसर को लिखते हैं 10th आंसर। Since the wooden cabinet is to be moved at constant velocity, since the wooden cabinet
is to be moved with constant velocity. It is given in the question. ये तो question से ही लिखा मैंने. So the force of 200 newton will be used to overcome the force of friction. So the force applied of 200 newton is used to overcome the force of friction. The friction. ये ऐसा भी लिख सकते हैं. Is spent in overcoming the friction. Okay. Does the force of friction exerted on the cabinet will be equal to force applied. So that is 200 newton. या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं which is 200 newton. So this is the answer. यही पूछा गया था इस क्वेश्चन के अंदर. What is the friction force that will be exerted on the object? तो ये friction force same होगा क्योंकि क्वेश्चन में एक important बात लिखी गई है. Object is moved with constant velocity. इसका मतलब हम जो फोर्स अप्लाई करेंगे कैबिनेट पे और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा होगा एग्जर्ट हो रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी आल्सो 200 न्यूटन सो इट्स वेलोसिटी विल नॉट चेंज एंड इट विल मूव विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी तो इसी के बेसिस पर हमने लिखा कि हम जो फोर्स लगा रहे थे उसी के इक्वल फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा अगर ऐसा है तभी तो उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा और वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा जो जो गिवन है Yes, in the 11th question, some quantities are given. Two objects, each of mass 1.5 kilogram, are moving in the same straight line but in the opposite direction. देखिए क्वेश्चन में जो जो गिवन है उसको मैं डायग्राम की हेल्प से आपको लिख देता हूँ या आप गिवन क्वांटिटीज लिखना चाहें तो गिवन भी लिख सकते हैं नहीं तो डायग्राम की हेल्प से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं सो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज द सेकेंड ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है तो इसका मास है 1.5 किलोग्राम और क्वेश्चन में गिवन है बोथ ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द सेम मास सो द मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट इज आल्सो 1.5 किलोग्राम द फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन ये एक ही स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन द वेलोसिटीज आर गिवन द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड जो दोनों ऑब्जेक्ट यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं इन दोनों की वेलोसिटीज हैं 2.5 मीटर पर सेकंड लेकिन एक की वेलोसिटी को पॉजिटिव लिखा जाएगा दूसरे की वेलोसिटी को नेगेटिव लिखा जाएगा बिकॉज बोथ आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन तो इस क्वेश्चन में आपको इस वर्ड के ऊपर ध्यान देना है कि क्वेश्चन में लिखा गया है अपोजिट डायरेक्शन तो एक की वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाएंगे मान लीजिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो हमने यू वन लिखा 2.5 मीटर पर सेकेंड सो हेयर आई एम राइटिंग यू वन इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड And this object is moving in the opposite direction, so u2 is equal to the
-2.5 meter per second. Another thing is given before collision. ये collision के बाद पहले की velocities हैं. During which they will stick together, what will be the velocity of the combined object after collision? ये कह रहा है कि collision के बाद दोनों stick हो जाते हैं. Stick होने के बाद उसकी जो velocity है वो क्या होगी? तो उसके बारे में बात करते हैं हम लोग. So both object, this is the condition before collision. This is the condition before collision. And now here I will make the diagram. So both object, अब इसकी जो velocities हैं वो हम लोग v1 v2 लिख देते हैं और इनके masses तो वही रहेंगे m1 m2 ही रहेंगे और velocities जो हैं एक बार हम लोग ऐसा मान लेते हैं both will stick together, stick हो जाएंगे. For example, stick होने के बाद वो इस direction में जाते हैं तो ये velocity हमें calculate करनी है combined velocity. तो फिर से ये combined velocity का question. So this is the condition after collision. So now we will apply. देखिए जो भी क्वेश्चन में गिवन था मैंने डायग्राम में लिख दिया. आप ऐसा गिवन क्वांटिटीज लिखना चाहें तो गिवन लिख सकते हैं. आपको एक ऑब्जेक्ट को m1 मानना होगा, दूसरे ऑब्जेक्ट को m2, और जिसको m1 माना जा रहा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी को u1 से लिखेंगे. जिसको सेकंड ऑब्जेक्ट आप मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, उसकी जो वेलोसिटी होगी उसको आप u2 से लिखेंगे. सो हेयर आई विल अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सो एज पर द law of conservation of momentum, देखिए combined velocity के question भी हम already discuss कर चुके हैं. मैंने आपको दो question इसके करवा दिए थे, इस type के, इसी type के questions. The formula is m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v plus m2 v. क्वेश्चन में दिया गया है दोनों ऑब्जेक्ट स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं कोलिजन के बाद. तो कोलिजन के बाद अगर स्टिक हो रहे हैं तो दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे फिर. तो इसीलिए मैंने इसको v1 v2 नहीं लिखा, दोनों की वेलोसिटी को v से लिखा गया. अब हम लोग इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 plus m2 into v. So now we are putting the values. Mass of first object. First object ka mass hai 1.5 kilogram. Velocity hai 2.5. Second object ka mass hai 1.5. Velocity hai -2.5. First object ka mass hai 1.5. Second object ka mass hai 1.5. And combined velocity is v. So here the next statement will be 1.5 into 2.5. This will be 3.75 minus 3.75. देखिए ये negative होगा ना, 1.5 into minus 2.5. So this will be minus 3.75. अब ये plus 3.75 minus 3.75 ये कितना आ जाएगा? So this will be 0.